में बंद मुख्तार अंसारी से मिले ओम प्रकाश राजभर, चुनाव लड़ाने पर हुई चर्चा, राजभर ने मुख्तार अंसारी को बताया मसीहा। दिवाली से पहले ग्राहकों को मिली बड़ी सौगात, सीएम योगी ने लॉन्च किया पारदर्शी सिलेंडर, कहा जनता को मिलेगा नया विकल्प। दीपावली में फूलों से महका बद्रीनाथ धाम, 10 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजा बद्रीनाथ मंदिर, 20 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी, 24 घंटे में कोरोना के 11,903 नए केस दर्ज, 311 संक्रमितों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार की नीति पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए मोदी सरकार की पॉलिसी पर सवाल खड़े किए और कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 1 करोड़ टीके लग सकते हैं तो फिर रोज क्यों नहीं लग सकते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर के लिए सरकार तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों, असहाय परिवार जनों का दर्द सरकार ने नहीं समझा, उसे नहीं भूल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट का मौका क्यों समझती है। सोनिया गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि जब पीएम के जन्मदिन पर 1 करोड़ टीके लगे तो फिर इतने टीके रोज क्यों नहीं लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 1/3 से भी कम आबादी को टीके के दोनों डोज लगे हैं। सोनिया ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर कहा कि कोई योजना फिलहाल सरकार की नहीं दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर कोरोना मैनेजमेंट को लेकर निशाना साध रहा है। हालांकि कोरोना महामारी को खत्म करने की दिशा में सरकार का अभियान जोर शोर से के साथ चल रहा है और लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो आज एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ पर केंद्र सरकार पर ये बड़ा निशाना साधा गया है, बड़ा वार किया गया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का ये केंद्र सरकार पर वार है और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सरकार ने उन लोगों की मजबूरी नहीं समझी जो लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जिनके परिवार वाले बीमार थे, सरकार ने उनकी बातों को नहीं समझा। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 1 करोड़ टीकाकरण हो सकता है तो फिर रोजाना ये क्यों नहीं हो सकता। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पशु सेवा केंद्र के प्रभारी के पद पर तैनात डॉक्टर सुशील कुमार ने अपने कमरे में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना देकर मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो बिजनौर का यह पूरा मामला है जहाँ पर अधिकारी ने गोली मारकर खुद को खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम लिए शव भेज दिया है। हालांकि अधिकारी ने यह कदम क्यों उठाया, क्या वजह रही, इस बात की अभी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि खुदकुशी करने के बाद अधिकारी की मौत की सूचना जो है, सूचना जब लोगों को लगी तो वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। साथ ही परिवार को भी जानकारी दे दी गई है और ऐसे में मामले की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सर मुझे तो पता नहीं, सर मुझे तो नहीं बोल रखा था कि घर चलेंगे आज दोपहर को, तू इतना कपड़े पे इस्त्री करा ला, अब बाइक सही करा ला। मैं परेश कपड़े देने चला गया था के बीच कुछ पता नहीं क्या हुआ इन्होंने। यहाँ पर आपको बता दें कि अधिकारी ने खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली है। हालांकि आत्महत्या की वजह क्या रही अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्यों अधिकारी ने ये कदम उठाया, क्या वजह रही, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है।
बेगूसराय के बरौनी और गढ़पुरा ब्लॉक के 24 पंचायतों में मतदान हो रहा है। बरौनी ब्लॉक के 15 पंचायत के 217 बूथ पर मुखिया के 15, सरपंच के 15, जिला परिषद के 4, वार्ड सदस्य के 209 और ग्राम कचहरी पंच के 209 पदों के लिए सुबह से ही मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं गढ़पुरा ब्लॉक के 9 पंचायत में 9 मुखिया, 9 सरपंच, 1 जिला परिषद और 127 वार्ड और पंच पद के लिए मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें, मतदाताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है और सुबह से ही कतार में लगकर मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं बेगूसराय की, जहां पर गढ़पुरा ब्लॉक में मतदान हो रहा है। और ऐसे में आपको बता दें, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और हर कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल कर आगे बढ़कर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचा है। कभी दिनकर के गांव में, उस गांव के बगल में 5 पंचायत है। 5 पंचायत के युवकों को परेशानी उठाना पड़ता है, खेल कूद का मैदान नहीं है और जमीन है, हमारे यहाँ जमीन है। सरकार अगर चाहे तो इसमें स्टेडियम बना सकते हैं, हमारे युवक को खेल कूद के लिए अच्छा प्रबंध कर सकते हैं सरकार। इस पर जिला जी को ध्यान देना चाहिए। विकास, बच्चों का विकास तभी होगा जब हमारा बच्चा खेल कूद में प्रवेश करेगा, अच्छा बनेगा तो नौकरी अवश्य होगा, यही हम चाहते हैं सिमरिया में। बेगूसराय के बिक्रमपुर गांव में एक तेज रफ्तार बस से बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बेगूसराय का पूरा मामला है, जहाँ एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, तेज रफ्तार बस ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिससे 2 युवकों को जब कुचला तो एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसका इलाज चल रहा है। वहीं जिस युवक की मौत हो गई, उसके परिजनों को जब उसकी घटना की सूचना मिली तो परिजनों का तभी से रो रो कर बुरा हाल है। बेगूसराय का ये पूरा मामला है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया है, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बिहार में 6ठे चरण के पंचायत चुनाव का मतदान जारी है। मधुबनी जिले के 2 ब्लॉक में मतदान हो रहा है। ऐसे में बाबू बरही और अंधार ठाटी में मतदान चल रहा है। सुबह से ही वोटर वोट डालने के लिए अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कल दीपावली है और इसके बाद भी महिला वोटर में वोट को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ लोग देर से मतदान देने के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि कुछ जगह देर से मतदान शुरू हुआ। तो तस्वीरें देख सकते हैं मधुबनी की, जहां पर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच गया है। पंचायत चुनाव का मतदान लगातार जारी है। मधुबनी की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में गाँव के लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुँचे हैं। मथुरा के वृंदावन में विधवा महिलाओं को
कि ये भव्य दीपावली पर्व मनाया गया। इसके अंतर्गत विधवाओं ने दीप दान कर दीपावली मनाई। सुलभ इंटरनेशनल संस्था की तरफ से बंगाली विधवा महिलाओं के जीवन में प्रकाश भरने के लिए और उन्हें हर पर्व में अपनेपन का एहसास हो, इसके लिए प्रमुख पर्वों का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत दीप दान किया गया। कार्यक्रम में आयोजकों का कहना है कि दीपावली पर्व हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया है। तो तस्वीरें देख सकते हैं मथुरा में, जहाँ पर दीप दान कर ये दीपावली मनाई गई है। विधवा महिलाओं के साथ ये दीपावली मनाई गई है ताकि इन्हें अकेलेपन का एहसास ना हो और इन्हें भी उतना ही उत्साहित महसूस हो जितना कि आम लोग हर त्यौहार पर उत्साहित नजर आते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इन महिलाओं के लिए कि भव्य दीपावली का पर्व का आयोजन किया गया और ऐसे में इसके अंतर्गत विधवाओं ने दीप दान कर दीपावली बनाई। साथ ही सुलभ इंटरनेशनल संस्था की तरफ से बंगाली विधवा महिलाओं के जीवन में प्रकाश भरने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप मथुरा के वृंदावन की। यहाँ सब कुछ बढ़िया लग रही है। क्या कहेंगी इस तरह के उत्सव को लेकर के, जिस तरह से पहले आपके उत्सव बंद हो गए थे अब फिर दोबारा, क्या वो तो कोरोना काल में बंद हो गई, अभी तो चालू हो गया, तब तो खुशी लग रही है। कितनी माँ हैं आज और कैसा मन में, किस तरह का उत्साह है दीपावली को लेकर के? उत्साह खूब है, बढ़िया है, सब लोग साथ में हो गए ना, अच्छी लग रही है। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के गंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस दीपावली त्यौहार के मद्देनजर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने विदुर कुटी चांदपुर रोड पर संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया तो उस पर सवार दो बदमाशों की तरफ से पुलिस टीम पर फायर कर दी गई। पुलिस टीम की तरफ से अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा है और भागे बदमाश की तलाश में जंगल में कॉम्बिंग शुरू कर दी गई है। तो बिजनौर की पूरी घटना है जहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ऐसे में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, घायल बदमाश हो गया है जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। साथ ही उस बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसके साथियों के लिए कॉम्बिंग जंगल में शुरू कर दी है। आपको बता दें दीपावली के त्यौहार को देखते हुए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कोई भी अगर संदिग्ध गतिविधि है तो उस पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। ऐसे में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग थे जिन पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने भागते हुए फायरिंग पुलिस पर कर दी जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पैर में गोली लग गई जिसके बाद उसका इलाज कराने के लिए उस अस्पताल में भर्ती करा दिया। अक्टूबर को प्रिया शर्मा एक प्रवक्ता का बिजनौर कस्बे में 10 बजे गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसका पति कमल शर्मा ने सुपारी दे करके 5.5 लाख रुपए का 4 बदमाशों के द्वारा इसकी हत्या कराई थी। मौके पर 3 बदमाश थे, सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश आए थे। पूरे घटना के छानबीन क्रम में लगातार चेकिंग चल रही थी। आज धनतेरस के अवसर पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 बदमाश भागे, पुलिस ने चेस किया, विदुर कुटी के जंगल में मुठभेड़ हुई। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में ओवर टैंकिंग के दौरान 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। वहीं भिड़ंत के चलते ट्रकों में आग लग गई जिससे आग की चपेट में आकर एक ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और फायर सर्विस ने बेकाबू आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हमीरपुर का पूरा मामला है जहाँ पर 2 ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी ज़्यादा तेज थी कि एकदम से अचानक से ट्रक में आग लग गई। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक आग में जल गया और ऐसे में ट्रक में जो ड्राइवर सवार था उसकी भी जिंदा जलकर मौत हो गई और पूरी तरह ट्रक भी जलकर खाक हो गया। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने फायर सर्विस की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर की ये तस्वीरें देख सकते हैं।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। देश में अभी भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,903 नए मामले सामने आए, वहीं 311 लोगों की जान गई है। इसके बाद अब तक मरने वाले लोगों की संख्या 4,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 14,160 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की कुल संख्या 151,209 है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 252 दिनों बाद एक्टिव मामलों की ये संख्या सबसे कम आई है। देश में अब तक आपको बता दें 3,36,97,740 लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 41,016,000 से ज्यादा डोज दी गई है, जिसके बाद देश में अब तक 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। तो लगातार कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में बीते 24 घंटे में 11,903 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में जान चली गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को महज सब कुछ 6 महीने बच रहे हैं। ऐसे में राजनेताओं के बीच टिकट पाने और विधायक बनने का लालच पनपने लगा है। अब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने लालकुआ विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी की है। उन्होंने लालकुआ विधानसभा से बीजेपी टिकट के लिए अपनी दावेदारी की है। उनकी दावेदारी से विधानसभा में सियासी पारा चढ़ गया है और लालकुआ के बिंदु खत्ता स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने लालकुआ से दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि वो 30 सालों से बीजेपी में सक्रिय ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। बैंड का राज्य सरकार की है और वो पूर्व की सरकार ने कुछ पूर्व की सरकार अधूरे काम लेकर के चलती थी। पूर्व सरकार तो रोडों पे मिट्टी डलवा देती थी बगैर पैसे के, बगैर योजना के। ये वो सरकार नहीं है, ये घोषणा करने वाली सरकार नहीं है। 30 बेडों का सरकार राज्य सरकार का है, 200 बेडों का जो घोषणा हुई केंद्र सरकार का है, इसलिए केंद्र की भी घोषणा पूर्ण होगी और राज्य सरकार की घोषणा पूर्ण होगी। मैंने बताया स्वास्थ्य में आदरणीय मोदी जी हमारा देश इटली का मुकाबला करें इस प्रयास में। उधम सिंह नगर में तैनात एसओजी अवैध धंधों पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार एक्टिव बोर्ड में दिखाई दे रही है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक और ब्रांडेड सीमेंट के नाम पर नकली सीमेंट फैक्ट्री को पकड़ा है, जहां 250 नकली सीमेंट के बैग और भारी मात्रा में नकली सीमेंट बरामद कर नकली सीमेंट फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर जाँच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। पुलिस मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। तो उधम सिंह नगर की के पास जानकारी थी कि नकली सीमेंट बनाया जा रहा है और उसे बैग में पैक करके बेचा जा रहा है। उस पर कार्रवाई करते हुए सूचना पर कार्रवाई करते हुए लगभग 250 से ज़्यादा बैग सीमेंट के पकड़े हैं जो नकली है। उस पर जाँच करते हुए जो सीमेंट कंपनी है उसको एसएसपी के माध्यम से रिपोर्ट सारी भेजी जा रही है और उनसे ये बोला जा रहा है कि आप आके अपने सीमेंट को देखें कि वो सही है या गलत है, क्योंकि जब तक वहाँ से हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा आगे कार्रवाई करना। दीपावली के त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए एसएसपी पौड़ी ने जिले में सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और गश्त लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दीपावली जैसे त्यौहारों में बाजारों में भीड़ का बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में बाजारों में भीड़ को नियंत्रण करना और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को पहले निर्देशित कर दिया गया है और सभी दुकानदारों को भी अनाउंसमेंट के जरिए जानकारी दी गई है कि वो अपने सामान को व्यवस्थित करके रखें ताकि बाजारों में व्यवस्था बनाए रखने में तकलीफ ना हो। जिस स्थानों पर ज्यादा भीड़ है वहां पर 2 पहिया वाहनों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें दिवाली के त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और पूरी तरह से सब कुछ सही रहे इसको देखते हुए गश्त लगाने के एसएसपी ने निर्देश दे दिए हैं और साथ ही बाजारों में
जो है कोई भी तरह की परेशानी ना हो इसको लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दीपावली को लेकर अलर्ट हो गया है। पौड़ी में ये बाजारों की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है और ऐसे में त्योहारों के दिन व्यवस्था ना बिगड़े, कोई ट्रैफिक की ज़्यादा जाम जैसी स्थिति ना बने, इसको देखते हुए पहले ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। त्यौहार है, इसमें भीड़ भाड़ रहती है, उसकी दृष्टि से हमने सभी लोगों को जागरूक करते रहते हैं, अनाउंसमेंट करते रहते हैं। ट्रैफिक के संबंध में हमारे द्वारा जो है टू व्हीलर को जो है धारा रोड में अपर बाजार में बंद किया गया है, केवल पैदल जो ग्राहक हैं वो पैदल नहीं जाएंगे। जितने भी मेले में दिवाली के धनतेरस में आने वाले लोग हैं उनके लिए से जो पार्किंग है वो पार्किंग जो है गैस एजेंसी पर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इस तरह की व्यवस्था की। तो जैसे कि यहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है तो मास्क का किस तरह से लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं? मास्क का सभी अधिकतम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर और हम लोग लगातार इसकी अनाउंसमेंट और जागरूक और चालान की कार्रवाई लगातार करते रहते हैं, तो इससे काफ़ी इसका इन्फोर्समेंट यहाँ पर होता है। राजस्थान के बीकानेर में दीपावली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। वहीं पुलिस सुपरिटेंडेंट योगेश यादव ने शहर के व्यवस्थित मार्ग के EM रोड सहित उनके जगहों पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही सभी जगह अच्छी व्यवस्था होने पर संतोष जताते हुए सभी के सहयोग करने की अपील की है। तो ऐसे में दीपावली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ये बीकानेर की तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट ने शहर का भ्रमण किया और ऐसे में दीपावली के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा के किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यातायात में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए पहले ही जगह जगह का भ्रमण किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ताकि दीपावली के दिन किसी को भी किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेन मार्केट है और दिवाली की जो भी भीड़ भाड़ का जो पीक जो बनता है वो इसी मार्केट में बनता है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस इलाके की दिवाली के मद्देनज़र पूरी सेफ्टी लोगों के लिए भी और बाकी भी जो है फिजिकल सेफ्टी भी सब तरह की व्यवस्थाएं करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सफिशेंट जाप्ता दिया गया है, पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, टिकट्स भी हैं, मोबाइल्स भी हैं, हमारे लेडी कॉन्स्टेबल जो हैं वो भी हैं, लगातार गश्ती भी रहेंगे। पार्किंग को लेके कुछ जो है अपने जो भी इसमें समाधान हो सकता है उस बारे में विचार किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से हर साल होता आया है उसी तरह की ही परिपाटी पे अभी बनाई गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी बना ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को संरक्षण दिया, कांग्रेस को एक दिन पछताना पड़ेगा। इधर पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि PM मोदी प्रेम में कैप्टन पंजाब के विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे और नई पार्टी बनाने के ऐलान से पंजाब कांग्रेस में काफी हलचल तेज हो चुकी है। पार्टी नेताओं के टूटने के डर से देर रात तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चली। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश चौधरी समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल रहे। तो आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, नई पार्टी का गठन कर दिया है, साथ ही कांग्रेस की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।